हम बनाएंगे एकदम कुरकुरी करारेदार भिंडी। इस लंबी लंबी भिंडी को मैंने थोड़ा सा चार हिस्सों में काट लिया, वो भी लंबी साइज में। ऊपर के क्राउन काट लिए, नीचे की टेल काट लिया और एक भिंडी का चार हिस्सा कर लिया है। अब इसमें हम कुछ सामग्री मिलाएंगे, जैसे कि ये है अब मैदा, ज़्यादा नहीं मिलाना है, मुश्किल से एक चम्मच। और ये है चावल का आटा, चावल का आटा है उसे भी हम टोटल दोनों मिला के हम सिर्फ एक चम्मच भर भर के डालेंगे। और है ये चुटकी भर चाट मसाला, बारिश के सीज़न में इसको कुरकुरी बनाइए, चाय के साथ खाइए या दाल चावल के साथ भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम डाल रहे हैं, हम यूज़ करते हैं सेंधा नमक, तो हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। और अब थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार डालने का, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। और चुटकी भर आधी चम्मच से भी कम हम धनिया पाउडर डालेंगे, और एकदम चुटकी ही समझिए गरम मसाला। और ये हमारा थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, भुजा हुआ जीरा पाउडर, और कलर के लिए थोड़ा सा हम हल्दी, बहुत ज़रे से हल्दी डाल देंगे। और ये सब डालने के बाद हम थोड़ा सा अदरक लहसुन और मिर्चा कूट के रखा था, वो एकदम झीना ही कूटना होगा, या तो आप पीस भी सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं, घिस के डाल सकते हैं, किसी भी तरह डाल सकते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा लिसलिसापन होता है तो अपने आप सब चिपक जाएगा, हमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि भिंडी आपकी सूखी लग रही है तो आप थोड़ा सा एकदम हल्का सा छींटा, एक दो बूंद के छींटे डाल सकते हैं बस। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको कढ़ाई को जब तक हम गरम करते हैं, तेल डालते हैं, वो गरम होता है, तब तक इसको ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे उसके से, मतलब दो तीन मिनट के लिए। हमने कढ़ाई रख दी है तेल गरम होने के लिए, और इसके साथ ही साथ हम तैयारी करेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर ऐसा जाली वाला रख देंगे ताकि तेल निकल जाए, हम जब छान के रखें इसमें भिंडी। हमारा तेल गरम हो गया और आँच हमें मीडियम आँच करनी है, मीडियम टू लो, हाई नहीं। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना, तेल ठंडा हो जाएगा। और इसको हम बहुत जल्दी हो जाती है इसको लाल होने तक हम चलेंगे। अभी हमें थोड़ा सा और करने का है, थोड़ा कुरकुरी जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये नरम है, लेकिन ये अपने आप थोड़ी देर में कड़क हो जाती है। और जब हम भिंडी डालेंगे तब तो मीडियम टू लो रखेंगे, उसके बाद हम मीडियम टू हाई कर देंगे। ये तल के इतनी कुरकुरी हो जाती है कि बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छी लगती है। वैसे इसको हर मौसम में खाया जा सकता है, ठंडी में भी और गर्मी में, एसी में बैठिए, कूलर में बैठ कर ठंडी का मज़ा लीजिए, और ये कुरकुरी भिंडी खाइए, एकदम चाय के साथ खाइए, खाने के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। अब देखिए हमारी भिंडी हो गई है, हम इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ा लगेगा कि नरम है, पर जब थोड़ा सा टाइम जाएगा ना तो ये एकदम कुरकुरी हो जाएगी। ऐसे हम सब निकाल लेते हैं, सारी भिंडियाँ हमारी तल गई हैं। अब इनको हम थोड़ा देखिए आवाज़ आने लगी है, अभी और ठंडी होगी और कुरकुरी होगी, और इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, अभी ठंडी होती जाएगी और वो कुरकुरी हो जाएगी। इसी समय हम चुटकी भर चाट मसाला मिला देंगे ऊपर से, मिर्चा आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाले हैं इसमें और लाल मिर्च का पाउडर भी डाले हैं। बनाकर देखिएगा चाय के साथ या खान दाल चावल के साथ, बहुत अच्छी लगती है। इसको खा के देखिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।